नमस्कार, कैसे हैं आप सब। कंपटीशन कम्युनिटी के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इस चुनावी वर्ष में व्यापम और पीएससी ने महत्वपूर्ण वैकेंसियों की लिस्ट जारी की है, जो आपको पता भी होगा। इसी सिलसिले में बात करने के लिए आज हम उपस्थित हुए हैं। ठीक है, तो मैं बता दूं बेटा, जो हमारा संस्थान है कॉम्पिटिशन कम्युनिटी, उसका ब्रांच जो दुर्ग ब्रांच है, वहां पर 30 अक्टूबर से स्पेशल व्यापम की विशेष बैच स्टार्ट हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, इस बैच के अंतर्गत जो हमारा भी अपकमिंग जो वैकेंसी है, जैसे पहला अगर देखा जाए छात्रावास अधीक्षक का, दूसरा पुलिस आरक्षक भर्ती का, तीसरा प्रयोगशाला परिचायक भर्ती का और चौथा सीएसईबी, इसके अलावा जितने भी अपकमिंग वैकेंसी होंगी, ठीक है, उसकी जो कॉमन सिलेबस है वो कराई जाएगी 30 अक्टूबर से। तो मैं आपको बता दूं, 30 अक्टूबर से जो हमारा दुर्ग ब्रांच है, वहां पर सुबह 10 बजे से और शाम को 4 बजे से अलग अलग बैच स्टार्ट होगी। ठीक है, जिन बच्चों को सुबह आना है वो सुबह आ सकता है, जिन बच्चों को शाम को आना है शाम को 4 बजे के बाद वो 4 बजे भी आ सकता है। ठीक है, मैं बता दूं, जो पहला क्लास रहेगा, क्योंकि आप जैसे जानते हैं कि व्यापम में जो बैकबोन है, तीन अगर सब्जेक्ट देखा जाए बेटा, एक रहेगा कंप्यूटर का, दूसरा रहेगा मैथ्स रीजनिंग का, और तीसरा हमारे पास रहेगा लैंग्वेज में हिंदी लैंग्वेज, छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज और साथ ही साथ इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, तो कंप्यूटर अगर देखा जाए छात्रावास अधीक्षक पे बेटा, आपको पता भी होगा 50 प्रश्न छात्रावास अधीक्षक में कंप्यूटर से ही रहेंगे, उसके अलावा कुछ प्रश्न मैथ्स रीजनिंग से रहेंगे, कुछ प्रश्न लैंग्वेज से रहेंगे। ठीक है, तो ये कॉमन सिलेबस ना सभी जाएगा। ठीक, इसको याद रखना। उसके अलावा अगर बात करें कि छात्रावास अधीक्षक का, तो बेटा इसके लिए एक पर्टिकुलर नया टॉपिक ऐड किया है व्यापम ने, उसका नाम है बाल मनोविकास। तो जी हाँ, याद रखना, ये 10 नंबर का रहेगा, इसका भी विशेष क्लास 30 अक्टूबर से हम स्टार्ट कर देंगे। तो याद रखना, जो क्लास रहेगा बेटा लगभग 3 से 4 घंटे का रहेगा, जिसमें आपको कंप्यूटर का, मैथ्स रीजनिंग का, लैंग्वेज का, और याद रखना जो विशेष टॉपिक होगा वो भी अपन कराएंगे। ठीक है ना, तो याद रखना जो बैच रहेगा अपन टारगेट करेंगे छात्रावास अधीक्षक, लेकिन इसके अलावा जो भी बेटा व्यापम के एग्जाम है उसके कॉमन सिलेबस भी हमारे बैच के अंतर्गत आपको करा दिए जाएंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप अधिक से अधिक संख्या में हमसे जुड़ेंगे और हमें मौका देंगे, ताकि आपको आपको जो सरकारी नौकरी है वो तमगा दिलाने में हमें प्रकार से कुछ योगदान दे सके। ठीक है, इसके अलावा जो भी आगे की जानकारी है वो कमलेश सर आपसे साझा करेंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद यशवंत सर। जैसा कि सीजी व्यापम की जो वैकेंसी आ रही है उनके लिए नई बैचेस अनाउंसमेंट की जा चुकी है, और 30 अक्टूबर से आपको नई बैचेस मिलेंगी। इस छत्तीसगढ़ व्यापम की जो नई बैच है, जैसे सर ने बताया कि आपको विशेष रूप से छात्रावास अधीक्षक को फोकस किया जाएगा, जिसमें आपको कंप्यूटर की विशेष कक्षाएं करवाई जाएंगी। इसके अलावा जो अन्य जो परीक्षा है, जिसमें आपको देखने को मिलेगा हॉस्टल वार्डन के अलावा जो पुलिस आरक्षक की भर्ती घोषणा की गई है, इसके अलावा अगर हम देखें तो आपके पास प्रयोगशाला परिचारक की भी यहाँ पर वैकेंसी घोषित की गई है। तो प्रयोगशाला परिचारक में अगर देखें तो वहां पर विशेष रूप से आपको सामान्य विज्ञान का जो सिलेबस है वह पूछा जाएगा। तो ध्यान रखें कि जो सामान्य विज्ञान इसके लिए आपके पास 60 प्रश्न यहाँ पर सिलेबस में रखे गए हैं, मतलब आपको विशेष रूप से सामान्य विज्ञान की भी जनरल साइंस की जो 10th लेवल की तैयारी है वो भी करनी होगी। तो उसके लिए विशेष रूप से क्लासेस लगाई जाएंगी, जैसे हॉस्टल वार्डन की कंप्यूटर, वैसे ये आपके लिए प्रयोगशाला परिचारक के लिए साइंस की तैयारी करवाई जाएगी। और समय जो हमने रखा है वह रखा है सवेरे 10 से 12 और शाम को 4 से 6। इसके लिए आप हमारे कॉम्पिटिशन कमिटी के दुर्ग सेंटर में विजिट कर सकते हैं और अधिक से अधिक जानकारी ले सकते हैं। और अगर फीस की हम बात करें, बिल्कुल न्यूनतम फीस रखी गई है, जब आप सेंटर में आएंगे तो उसकी जानकारी आपको पूरी दी जाएगी। इसके अलावा जो आपको यहां से स्पेशल फीचर्स मिलेंगे हमारे क्लासेस की तरफ से, वो होंगे आपको जो संपूर्ण सिलेबस के अलावा क्लास के जो पीडीएफ नोट्स हैं वो आपको मिलेंगे, साथ ही साथ आपको 2000 से अधिक एमसीक्यू भी सॉल्व करवाए जाएंगे, ताकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जितने भी आप सॉल्व करेंगे आपकी परीक्षा तैयारी उतनी अच्छी होंगी। साथ ही साथ हर शनिवार को आपके लिए जो आपके क्लास टेस्ट हैं वो भी होंगे, और क्लास टेस्ट के साथ ही साथ आपके करंट अफेयर की तैयारी भी करवाई जाएगी। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो आपकी बैच स्टार्ट हो रही है वो 30 अक्टूबर को हो रही है, तो 30 अक्टूबर को आकर आप जितने भी छात्र आएंगे उन्हें 3 दिन का डेमो भी दिया जाएगा, 3 दिन का डेमो दिया जाएगा, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक, तो 3 दिन का डेमो जो दिया जाएगा वह फ्री रहेगा, और 3 दिन के डेमो के बाद आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, इसके अलावा जो वैकेंसी अपकमिंग है, जो आने वाली है, उस वैकेंसी को भी आप ध्यान रखें। सीएसईबी की भी जो वैकेंसी है वो भी अभी कंटिन्यू में है, तो उसकी भी घोषणा कुछ दिन में हो जाएंगी, तो सीएसईबी की तैयारी भी आप कर सकते हैं। तो आप जितना जल्दी हो सके इस व्यापम की नई बैच को ज्वाइन करें, और कॉम्पिटिशन कम्युनिटी दुर्ग में आप सेंटर में आ सकते हैं, जो आपको यहाँ पर पूरी जानकारी मिल जाएगी। क्लियर है, तो इसके अलावा किसी प्रकार के अगर आपको डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।